अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है जी सेंसेशन। सेंसेशन बेसिकली वो सिस्टम है जिसके थ्रू हमें अवेयरनेस हासिल होती है हमारी सराउंडिंग्स की, एक्सटर्नल वर्ल्ड की। सेंसेशन इज़ द प्राइमरी स्टेट ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इंटरनल वर्ल्ड एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अस एंड द इंटरनल वर्ल्ड दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमें अपने अंदर के बारे में या बाहर की दुनिया के बारे में जिस सिस्टम के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन मिलती है, उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को उस सेंसेशन कहते हैं। एहसास होना उर्दू में हिस, ठीक है, तहसुस, तहसीस या महसूस करना, ठीक है जी। इसके लिए अल्लाह ताला ने बेसिकली हम आमतौर पर जैसे कहा जाता है कि पांच सेंसेस से नवाजा है, विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस, ठीक है जी, ऑल्फैक्ट्री या स्मेल की सेंस, टेस्ट की सेंस और टच या टेक्टाइल सेंस, ठीक है जी। पांच तरह की सेंसेस हैं मेनली। ये तो वो आमतौर पर पांच सेंसेस जिनका आमतौर पर जिक्र किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर सेंसेस मौजूद होती हैं, ठीक है जी। जैसे हमें अपनी बॉडी की पोजीशनिंग का पता होता है, मेरे हाथ अगर इस वक्त बंद है तो मैं बगैर देखे या पीछे को अगर मैंने हाथ अपने बांधे हुए, कितनी फिंगर्स खोली हुई हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे जॉइंट्स के थ्रू मेरे ब्रेन को पहुँच जाएगी, ठीक है जी। उसे किनेस्थेटिक सेंस कहते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर बैलेंस की सेंस भी है, जो हमारे कानों के अंदर, कान जो दो काम करते हैं, वो सुनने का काम भी करते हैं, बैलेंस के लिए भी इसके अंदर एक ऑर्गन मौजूद है। तो बैलेंस की भी हमारे अंदर सेंस होती है, हमारी बॉडी किस साइड पर झुकी हुई है, बैलेंस है नहीं है वगैरह वगैरह। तो कुछ इंटरनल सेंसेस भी होती हैं, भूख की सेंस है, प्यास की सेंस है, ये भी हमारे अंदर सेंसेशंस होती हैं। तो सेंसेस सिर्फ पाँच नहीं है, पाँच से ज़्यादा है, लेकिन आमतौर पर पाँच को डिस्कस किया जाता है, ठीक है जी। तो टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर सकूँगा, सिर्फ इसकी डेफिनेशन तक हम बात करके आगे। इसमें जो ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट सेंसेस है, दैट इज़ विजुअल सेंस एंड ऑडिटरी सेंस। विजुअल सेंस एंड ऑडिटरी सेंस, देखने की हिस्स और सुनने की हिस्स, इनको मेनली मैं डिस्कस करता हूँ। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअल सेंस का जो टॉपिक है, मैंने एक यूट्यूब पर एक और वीडियो अपने उस पर डाली हुई है किसी और क्लास के लिए, विजुअल सिस्टम की या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आइज़ भी साथ लिखा हुआ है इसके, तो वो आपके लिए भी वही वीडियो काम आ जाएगी। उसमें आइज़ का स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो डिटेल से डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में जो दूसरी बड़ी सेंस है, दैट इज़ ऑडिटरी सेंस, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन मैं उसे डिस्कस करूँगा, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एयर, ठीक है जी। ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एयर जो है वो सेंस ऑर्गन है हमारे हेयरिंग की सेंस का, सुनने की हिस्स का सेंस ऑर्गन यानी आला हिस्स जो है वो एयर है, कान जो है वो सुनने का काम करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हमें जो बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसी न किसी स्टिमुलस की शक्ल में होती है। आँखों के लिए लाइट एक स्टिमुलस है, कानों के लिए आवाज़ की वेव्स एक स्टिमुलस है, ठीक है जी। इसी तरह टेम्परेचर और टच, ये सब स्टिमुलस है जिन पर हमारे अंदर कुछ ऑर्गन्स या वो मौजूद हैं रिसेप्टर्स, ठीक है जी, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। लाइट के लिए आँखें रिसेप्टर, और आँखों के अंदर भी रेटिना, जो उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मेनली रेटिना। इसी तरह आवाज़ के लिए हमारे अंदर जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं वो कान है, और रिसेप्टर्स खास तौर पर इसके अंदर आगे जाकर हम उसका जिक्र करेंगे, कॉकलिया, वो बेसिकली रिसेप्टर है आवाज़ की वेव्स के लिए, ठीक है जी। तो स्टिमुलस को रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करते हैं। ये रिसेप्टर्स तब रिसीव करते हैं जब जो स्टिमुलस है उसका खास लेवल हो। अगर वो स्टिमुलस जो है वो बहुत कमज़ोर हो, आवाज़ बहुत हल्की हो, एक चींटी के चलने की भी आवाज़ होती है लेकिन हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वो हमारी एक ख़ास लिमिट है स्टिमुलस का, जब तक वो मैग्नीट्यूड नहीं होगा उससे तब तक हम हमारे सेंस ऑर्गन उसको रिसीव नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड एक ख़ास लेवल का होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे आवाज़ की अगर बात करें तो 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से 20 हर्ट्ज़ हज़ार हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के दरमियान की आवाज़ें हम सुन सकते हैं, इससे कम की नहीं, इससे ज़्यादा की। कम आवाज़ होगी तो हमारे सेंस ऑर्गन या जो रिसेप्टर्स हैं उसे रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो कम से कम जो हमारी लेवल है स्टिमुलस का जिसे हम रिसीव कर सकते हैं उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं उसे हम अपर थ्रेशोल्ड कहते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स की। कम से कम हद और ज़्यादा से ज़्यादा हद, उससे कम एनर्जी हो जो स्टिमुलस है बेसिकली वो एनर्जी की कोई ना कोई किस्म है, लाइट है, साउंड है, एनर्जी उस लेवल से एब्सोल्यूट से कम हो तो हम नहीं रिसीव कर सकेंगे, अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो भी हम रिसीव नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। बहुत स्लो मूवमेंट जैसे हमारी सेंस ऑर्गन्स आँखें नहीं देख पाएंगी, जो वॉच है, क्लॉक है, उसके जो घंटे वाली सुई है उसकी मूवमेंट को हम नहीं महसूस कर सकते, ठीक है जी, जिस वक्त वो मूव कर रही होती है। इसी तरह वो क्योंकि हमारी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से कम है उसकी मूवमेंट,
और अगर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट हो, जैसे गोली अगर हमारी आँखों के गुजरे तो उसकी मूवमेंट हमारी अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो भी हम उसे महसूस नहीं कर सकते, हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे सेंसेशन से रिलेटेड। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर्स। ठीक है जी, एयर को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। आउटर एयर को सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं, आउटर एयर। आउटर एयर के भी आगे से तीन पार्ट्स हैं मेनली। एक पे पार्ट है जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, द एक्सटर्नल प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द एयर इज कॉल्ड पिन्ना, इसे पिन्ना कहते हैं। इट वर्क्स लाइक एन एंटीना, इट रिसीव्स द वेव्स ऑफ साउंड एंड ट्रांसफर्स दीज वेव्स इनटू द इनर पार्ट्स ऑफ द एयर। ये एक एंटीना की तरह वेव्स को रिसीव करता है और तमाम वेव्स को इकट्ठा करके कान के अंदरूनी हिस्सों की तरफ भेज देता है। और ये जो इसकी ये जो बने हुए हैं शेप जो बनी हुई है, ये इतनी मास्टर शेप है कि तमाम वेव्स जो इस पर टकराते हैं वो अल्टीमेटली कान के दरमियान एक बारीक सी सुराख और उसे एक थ्रू एक छोटी सी ट्यूब एक नाली अंदर की तरफ जा रही उसकी तरफ मोड़ देता है ये स्ट्रक्चर। ये बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो आपको ये बड़ी रैंडम सा लगता है लेकिन इसका मैकेनिज्म बड़ा कमाल का है। इस बाहर वाले प्रोजेक्टेड पार्ट को हम पिन्ना कहते हैं। दरमियान में एक सुराख और एक बारीक सी ट्यूब अंदर की तरफ जा रही, दिस दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। ठीक है जी, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जो वेव्स हैं वो कान के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जाती हैं। ऑडिटरी कैनाल के अंदर वैक्स होती है जैसे आप बड़े मज़े से साफ करते हैं, और छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है जी, टाइनी हेयर। ये वैक्स और टाइनी हेयर दोनों के तीन मेजर फंक्शंस हैं, एक डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, दूसरा इंसेक्ट्स वगैरह को रोकना, और तीसरा ये कान के इस हिस्से को वेट रखते हैं, तर रखते हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म की खराश या नुकसान जो है इन हिस्सों को नहीं पहुंच सकता। ठीक है जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, और कान की किसी किस्म की जो है उसको इन्फेक्शन वगैरह से बचाना और उसको इंजरीज वगैरह से बचा के रखना, ये इस वैक्स और टाइनियर्स का काम है जो कि हमारी ऑडिटरी कैनाल यानी ये छोटी सी ट्यूब अंदर को जा रही है उसका काम है। तीसरा जो पार्ट है आउटर एयर का, दैट इज़ एयर ड्रम या कान का पर्दा। एक झिल्ली सी है जो आउटर एयर के आखिरी हिस्सा है, एक झिल्ली है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, उससे जाकर आवाज़ टकराती है तो वो जो मेम्ब्रेन है वो कान का पर्दा एयर ड्रम जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, इसी मेम्ब्रेन के बाहर वाली तरफ आउटर एयर है और इसी मेम्ब्रेन के अंदर वाली तरफ जो है मिडल एयर स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, कान के पर्दे की, जिससे पिन्ना ने वेव्स को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनाल को भेजा, ऑडिटरी कैनाल के आखिर पर पर्दा है उससे वो टकराई, कान का पर्दा वाइब्रेट करना शुरू हो गया। उसके बाद आ जाता है मिडल एयर। मिडल एयर इज़ एन एयर लॉक्ड चैम्बर, एक खाना है हवा से भरा हुआ। इट कंटेन्स थ्री टाइनी बोन्स विच आर कॉल्ड ऑसिकल्स, इसके अंदर तीन छोटी छोटी हड्डियाँ मौजूद हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं, उनका कलेक्टिव नेम इकट्ठा नाम ऑसिकल्स है और इंडिविजुअल नेम उनके मैलियस, इनकस और स्टैप्स हैं। हैमर, एनवल, स्टिरप इनके कॉमन नेम्स हैं क्योंकि एक ही शेप हैमर की तरह किया, थोड़े की तरह किया तो उसका नाम हैमर है, एक ही शेप लीवर की तरह किया तो इसलिए उसका नाम एनविल, एनविल मीन्स लीवर, और तीसरी की शेप रकाब जैसी होती है, यू शेप का लोहे का एक टुकड़ा घोड़े के पाँव के नीचे कीलों से ठोका जाता है जिसकी वजह से उसे टक टक की आवाज़ आती है तो वो रकाब कहलाता है, इसे हम कहते हैं घोड़े के रकाबों की आवाज़ नहीं आने लगी। ठीक है, तो उस यू शेप के टुकड़े को रकाब या इस हड्डी को इसलिए रकाबी हड्डी या स्टैप्स कहते हैं। ठीक है, स्टैप्स घोड़े की स्टैप्स या रकाब, इसलिए इसका नाम स्टैप्स है लेकिन टेक्निकल नेम के मैलियस, इनकस और स्टैप्स है। ठीक है जी, और इनके कॉमन नेम जो हैं वो हैमर, एनवल और स्टिरप है। स्टिरप कहते हैं बेसिकली उस रकाब को इंग्लिश में, और टेक्निकल नेम इनके मैलिस, इनकस एंड स्टैप्स। स्टैप्स बाय द वे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी भी, हमारे बॉडी के अंदर 206 कमोबेश हड्डियाँ मौजूद हैं, इनमें जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान के मिडल एयर में पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैप्स। और सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो हमारी थाई की होती है, थाई बोन जो उनसे होती है हमारी वो सबसे बड़ी हड्डी है, उसे फीमर कहते हैं। ठीक है जी, कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी बाय द वे दैट इज़ स्टैप्स। तो कान का पर्दा जब वाइब्रेट करता है उसके बाद ये तीनों हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और आवाज़ की वेव्स इन तीनों हड्डियों के थ्रू, इसके बाद कान की जो तीसरा हिस्सा है दैट इज़ इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले मिडल एयर इनर एयर के दरमियान एक विंडो है जिसे हम ओवल विंडो कहते हैं। इसकी शेप क्योंकि ओवल होती है, राउंड नहीं होती, ओवल होती है, लबूतरी थोड़ी होती है,
इसलिए इसे ओवल विंडो कहते हैं। इस पर भी एक झिल्ली होती है, ये मेम्ब्रेन होती है। जब हैमर एनवल से टकराती है, एनवल स्टेप से टकराती है, तो स्टेप्स के एक सिरे पर एनवल टकराती है, दूसरा सिरा विंडो के साथ होता है, तो उससे विंडो खुल जाती है और आवाज़ की वेव्स इनर एयर में एंटर हो जाती है। ठीक है जी, एक विंडो तो मिडल एयर से इनर एयर में खुलती है, इसे हम ओवल विंडो कहते हैं। एक और विंडो भी है जो मिडल एयर और इनर एयर के नीचे मौजूद है और हमारे हलक तक आती है। हमारे हलक का भी हमारे कानों से लिंक होता है, इसलिए नाक कान गले का डॉक्टर इकट्ठा होता है। ठीक है जी, और वो एक ट्यूब है जो राउंड विंडो के ज़रिए हलक में खुल रही है, उस ट्यूब को यूस्टाशियन ट्यूब कहते हैं। आवाज़ की वेव्स जो हमारे कान की ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, आवाज़ की वेव्स अगर आवाज़ बहुत तेज़ हो तो एक्स्ट्रा वेव्स जो हैं वो इस राउंड विंडो के ज़रिए जो मिडल एयर इनर एयर के नीचे मौजूद है और उसके थ्रू यूस्टाशियन ट्यूब्स के ज़रिए हमारे हलक से बाहर खारिज हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो मिडल एयर है उसमें कान हवा का ख़ास प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए कभी कभार हमें महसूस होता है कि हमारा कान खुल गया या बंद हो गया। एक्चुअली वो मिडल एयर के अंदर हवा का प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा हो गया होता है। तो जुमाई लेने का आज तक आपको नहीं समझ आई होगी लॉजिक क्या होती है, जुमाई का हमें फ़ायदा क्या है, बासी जो आप लेते हैं। ठीक है जी, तो उसका लॉजिक ये है कि जब हम जुमाई लेते हैं तो जुमाई लेने के दौरान ऑटोमेटिकली जो मिडल एयर है उसका जो एयर का प्रेशर है वो यूस्टाशियन ट्यूब के ज़रिए एयर जाकर वहाँ का प्रेशर मेंटेन कर देती है, जितना प्रेशर हमें चाहिए वो मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए जब आपका कान खुला या बंद हुआ होता है तो अगर आपको जुमाई आ जाए तो उसे प्रेशर ऑटोमेटिक जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यूस्टाशियन ट्यूब का ये काम है जो राउंड विंडो के थ्रू हमारे हलक में खुल रही है। तो ओवल विंडो के बाद आ जाता है अगला पार्ट, दैट इज़ इनर एयर। इनर एयर जो है इसमें भी आगे से तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं, तीन तीन का सेट बनता है। आउटर एयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एड्रम है। मिडल एयर में तीन बोन्स हैं, हैमर एनुअल स्टेप या मैलिस इनका स्टेप्स। और इनर एयर के अंदर भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, नंबर वन सेमी सर्कल कैनाल्स, नंबर टू वेस्टिब्यूलर ट्यूब, नंबर थ्री कॉकलिया। सबसे पहले सेमी सर्कल कैनाल्स, निसफ दायरवी नालियाँ उर्दू में हम कहते हैं, हाफ सर्कल की शेप की नालियाँ तीन। ठीक है जी, दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, इन तीन नालियों के अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये तीन नालियाँ सुनने के काम नहीं आती, बल्कि मैंने जिक्र किया था कि कान जो है वो सुनने के अलावा बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है जी, तो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना इन तीन सेमी सर्कल कैनाल्स का काम है, दो इनमें हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, इनके अंदर फ्लूइड है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं इनके अंदर का फ्लूइड मूव करता है, जिस तरफ को भी हम झुकते हैं मूव करते हैं उस तरफ को वो फ्लूइड जो मूव करने लग जाता है, और उस फ्लूइड की मूवमेंट का सिग्नल ब्रेन के टेम्पोरल लोब में चला जाता है और हमें बॉडी के बैलेंस का पता चलता है। ठीक है जी, ये तो हमारा हो गया इनर एयर का पहला पार्ट, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। दूसरा है जी वेस्टिब्युलर ट्यूब। ओवल विंडो को राउंड विंडो से अटैच करने के लिए एक ट्यूब भी है, एक्स्ट्रा वेव्स को खारिज करने के लिए राउंड विंडो के थ्रू, यूस्टाशियन ट्यूब के थ्रू, हलक के थ्रू, जिस्म से बाहर, उसके लिए एक ट्यूब मौजूद है जो दोनों विंडोज को आपस में जोड़ती है, उसे हम वेस्टिब्युलर ट्यूब कहते हैं। और इनर एयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉकलिया। कॉकलिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्नेल शेल, क्योंकि स्नेल या घूंगा वो एक हॉल के अंदर रहता है जो इस तरह सर्कल की शक्ल में होता है। ठीक है जी, सर्कल्स के ऊपर सर्कल बने होते हैं, तो उसके सबसे लास्ट वाले उसमें घूंगा रहता है, बेसिकली स्नेल रहता है। तो इस कान के इस पार्ट की जो शेप है वो बेसिकली स्नेल के शेल की तरह की होती है, इसलिए इसका नाम ही स्नेल शेल यानी कॉकलिया रख दिया गया। लैटिन में कॉकलिया मीन्स स्नेल शेल। ठीक है जी, तो इसलिए इसका नाम ही कॉकलिया रख दिया गया। असल में यही रिसेप्टर ऑर्गन है आवाज़ की वेव्स के लिए, आवाज़ की वेव्स इसी से आकर टकराती हैं। इसमें बेसिकली तीन तरह की ट्यूब्स हैं जो आपस में लिपटी हुई हैं और उन ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड है। ठीक है जी, तीन ट्यूब्स हैं जो एक दायरे की शक्ल में लिपटी हुई हैं, इस तरह कर लें आप इसे स्नेल शेल की तरह। तो वो तीन ट्यूब्स हैं और इन तीनों ट्यूब्स के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। इन तीन ट्यूब्स की जो ऊपर वाली लेयर है वो एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, जिसे बेस लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। आवाज़ की वेव्स इस झिल्ली से आकर टकराती हैं, ट्यूब्स की जो ऊपर वाली तय है या बेस लेयर मेम्ब्रेन है उससे आवाज़ की वेव्स आकर टकराती हैं। इस लेयर के अंदर की तरफ छोटे या लंबे बाल हैं, वो असल में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। ये जब झिल्ली टकराती है तो अंदर का जो फ्लूइड है वो मूव करता है, उस मूवमेंट की वजह से आवाज़ की वेव्स जो हैं, जो पहले मैकेनिकल एनर्जी थी, वो अब कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और आगे से वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में। ठीक है जी,
पहले वो बोन से टकरा कर एक मैकेनिकल एनर्जी थी, और उसके बाद वो ये जो तीन ट्यूब्स हैं कॉकलिया की जिनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड जब मूव करता है तो वो एनर्जी अब कन्वर्ट हो गई है केमिकल एनर्जी में। और ये जो केमिकल एनर्जी है यानी लिक्विड की जो मूवमेंट है, इसी जो टाइनी हेयर्स हैं बेसल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर जो इस लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं वो उसको महसूस करते हैं। ठीक है जी, तेज़ आवाज़ों के लिए छोटे बाल या हेयर होते हैं और आहिस्ता आवाज़ों के लिए लंबे हेयर होते हैं। ये हेयर बेसिकली सेंसरी सेल्स हैं जो आवाज़ की वेव्स को रिसीव करके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू टेम्पोरल लोब्स में भेज देते हैं, और टेम्पोरल लोब में फिर उसको परसीव किया जाता है आवाज़ को। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारा कान का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉकलिया ही है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉकलिया, ये इंडिपेंडेंटली भी दोनों टॉपिक्स आ सकते हैं, इसलिए इनको आपने ज़्यादा डिटेल से प्रिपेयर करना है कि कॉकलिया क्या होता है, किस काम आता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या होती हैं, किस काम आती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एयर का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, होपफुली आपको समझ आ गई हो। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आई का और एयर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से भी पेपर में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो एयर का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई का स्ट्रक्चर मैंने एक वीडियो मैंने वो उसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो वो आपने देख लेनी है और एयर के स्ट्रक्चर के लिए देख लेनी है। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक सेंसेशन का भी कवर हो जाएगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर जो हिस्सा है 80% या 80-90% ऑलमोस्ट हम कवर कर लेंगे, एक आधा टॉपिक और हमने साथ इसके मिला लिया तो शायद एक चैप्टर हमारा थोड़ा सा रह जाए परसेप्शन का, उसमें से 5-10% जो है वो पेपर हमारा रह जाए, वो शायद हम अटैम्प्ट ना कर पाएँ। लेकिन अक्सर तो सारे का सारा पेपर ही जो मैंने आपको जितना मटेरियल बता दिया इसमें से आ जाता है, परसेप्शन में से बहुत कम आता है, लेकिन आया भी तो 5-10% आएगा। ठीक है जी, लेकिन इसको पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए तमाम वीडियोस को डिटेल से देखना ये आपके लिए कंपलसरी होगा। कोई भी पॉइंट जो है पेपर में बन के आ सकता है, बाद में आपने मुझे नहीं कहना, मैंने वो एक्सप्लेन ज़रूर किया होगा, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी बैचेस को पढ़ाया है किसी का भी जो है वो पेपर जो है मेरे पढ़ाए से उसमें से बाहर से नहीं आया, सब कुछ इसके अंदर से ही आया। और ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना मैंने आपको इस दफ़ा करवाया 90% पेपर इसमें से ज़रूर आ जाता है। ठीक है जी, एक टॉपिक मुझे साथ और मिलाना पड़ेगा, अगर वो हो गया तो वेल एंड गुड, वरना फिलहाल इतना ही। ओके स्टूडेंट, फिलहाल के इतना ही, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो बाकी बातें मैं ग्रुप में आपसे डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।